सैनिगन कंट्रीज, सभी सोचते हैं सैनिगन कंट्रीज में एंट्री हो जाए। सैनिगन है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सब बोलते हैं सैनिगन सैनिगन सैनिगन, सैनिगन है क्या, क्यों बोलते हैं इसको सैनिगन? शायद किसी को पता है किसी को नहीं पता है। तो जिसको नहीं पता है मैं कोशिश करूंगी उसको थोड़ा ब्रीफ में बताने की कि सैनिगन क्या होता है। और मैं और अनु आपके साथ टी हुए कंसल्टेंसी से आपको स्पेशली सैनिगन कंट्रीज के रिगार्डिंग आज हम कुछ चीजें लेके आए हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि सैनिगन नॉन सैनिगन क्या होता है और उनमें कौन कौन सी कंट्री ऐड होती है। या फिर जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप एक क्रोशिया का वीजा ले लेते हो, आप 27 कंट्रीज के अंदर आपके बिना वीजा के एंट्री हो जाती है TRC बेस के ऊपर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट्स के माइंड में कि सैनिगन कंट्रीज का या बॉर्डर्स का या फिर क्या रोल होता है एक वीजा के ऊपर, सब कंट्रीज में कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग से आज एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल, तो सैनिगन सबसे पहले मतलब क्या होता है मैं वो आपको क्लियर करना चाहूंगी। सैनिगन एक यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप होता है जिसके अंदर जो अलग अलग कंट्रीज होती है वो अपने अपने इंटरनल बॉर्डर्स को ओपन कर देते हैं ताकि कोई भी बिना वीजा के बिना वेरिफिकेशन के इधर से उधर दूसरी कंट्री में एक दूसरी कंट्री में जा सके। तो उन बॉर्डर्स को ओपन करते हैं तब वो एक ग्रुप बन जाता है। यूं लगा लो कि कंप्लीट आपका जो एरिया होता है हम उसको सैनिगन बोलते हैं। और ये सैनिगन बना कब, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कौन इसके फाउंडेशन कंट्रीज थी जिन्होंने इस प्रपोजल को अपने सामने रखा या एक डिमांड हुई इस चीज़ की। तो सबसे पहले जो सैनिगन का नींव रखी गई वो 1985 14 जून को ये परमिशन मिली थी। और कंट्री कौन कौन और कंट्रीज कौन कौन से थी, वो 5 कंट्रीज थी मैम जिसके अंदर एक बोलते हैं कि सैनिगन जोन बना जिससे बिल्कुल शुरुआत हुई और जो एक अच्छा ऑफर दिया एक दूसरी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स को ओपन किया एक दूसरे के लिए, वेलकम किया एक दूसरे को कंट्रीज को कि आप जो वहाँ के जो लोकल है या जो बाहर से जो आते हैं वो एंट्री ले सके उनके अंदर। तो वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी, सबसे पहले आपकी आती है फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी। जर्मनी। तो ये 5 कंट्रीज थी जिन्होंने ये ऑफर दिया और इस एक सैनिगन जोन को बनाया। उसके बाद धीरे 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 जो रूल रेगुलेशन थे सैनिगन के अदर कंट्रीज ने अपनाए और धीरे धीरे उनमें ऐड होते गए। और इनका हेड जर्मनी को बनाया गया है। बिल्कुल, ये तो था एक ब्रीफ सैनिगन के ऊपर कि कैसे इसकी नींव जो एक स्टार्टअप हुआ इसका। और अब हम लेके जो हम बताना चाहते हैं वो आपके जैसे कि रोमानिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, इसके ऊपर शायद अब बहुत ज्यादा एक डिस्कशन चल रहा है और पीछे पिछले 2-3 साल से चल ही रहा था कि कब बॉर्डर्स इनके ओपन होंगे या फिर कब ये सैनिगन में ऐड होंगे। और इन तीनों कंट्रीज का लिस्ट में नाम था सैनिगन में ऐड होने के लिए, बट सबसे पहले जो जिसने बाजी मारी वो क्रोशिया थी और अब क्रोशिया से सब वाकिफ है कि वो एक सैनिगन कंट्री बन चुकी है। जबकि मैम रोमेनिया और बुल्गारिया की बोल रहे थे कि ये पहले आएंगी। बिल्कुल, जबकि वो नहीं आए, क्यों नहीं आए वो भी आगे डिस्कस करेंगे और क्रोशिया पहले क्यों गया वो भी रीजन बताएंगे हम। क्रोशिया को, रोमानिया को, बुल्गारिया को 2007 में ऑफर मिला था कि आपका भी इस लिस्ट में नाम ऐड कर दिया गया है, बट जो सबसे पहले 2023 में जब क्रोशिया ऐड हुआ वो सबसे पहले ऐड हुआ इन तीनों में, क्योंकि उन्होंने पूरे रूल रेगुलेशंस फॉलो किए थे। जो सैनिगन कंट्रीज की रूल रेगुलेशन होती है वो सब फॉलो किए थे क्रोशिया ने, इसलिए वो बिल्कुल सबसे आगे रहा। और अभी जो गुड न्यूज थी हम बताना चाहते थे वो रोमानिया और बुल्गारिया के रिगार्डिंग थी। पूरी तरह से अभी वो ऐड नहीं हुआ है सैनिगन में, सिर्फ बिल्कुल उसकी जो दो बॉर्डर्स बाय सी और बाय एयर एयर ये आपकी ऐड हो चुकी है, लैंड बॉर्डर अभी भी नहीं हुआ है। और वो परमिशन मिली है बाय सी और बाय एयर वो भी मार्च में। बिल्कुल मैम, 31 मार्च। बिल्कुल, मार्च में वो परमिशन मिली है उनको और लैंड बॉर्डर्स भी होपफुली जल्दी ओपन होंगे। और काफी विरोध किया इस चीज का ऑस्ट्रिया ने क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया में रीजन क्या थे कि लेट क्यों शामिल हुआ वो, एक 16 साल का टाइम पीरियड उसने, उसके बाद वो सिर्फ दो बॉर्डर अभी ओपन हुए हैं। वो रीजन ये था कि
कि वहां पे जो इलीगल इमिग्रेशन का काम बहुत ज्यादा होता था, इलीगली जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करते थे इधर से उधर, तो उस वजह से वो भी बहुत डिले होता रहा होता रहा। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन जो उनके थे उनके अकॉर्डिंग वो चल रहे थे, तो मोस्टली कंट्रीज ने उनको वेलकम किया और कुछ कंट्रीज ने थोड़ा सा नाराजगी जताई इस चीज के लिए। बट फाइनली बाई सी और बाई एयर आप रोमानिया बुल्गारिया की अभी मार्च से परमिशन मिल चुकी है। बिल्कुल, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी ये वीडियो थी। ई वीजा कंसल्टेंसी की तरफ से हम ये बताना चाहते थे आप सभी को, क्योंकि कुछ को नहीं पता था और कुछ को बिल्कुल कम्प्लीटली पता भी है, क्योंकि यूट्यूब पे सब जो कोशिश करते हैं आपको बताने की, जैसे हमने भी ये कोशिश की है। और अभी हमारे पास जो लेटेस्ट आए हुए हैं रोमानिया और बुल्गारिया में, हम चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि जैसे क्रोशिया जैसे ही ऐड हुआ था बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं उसके अंदर, तो जो जाना चाहते थे वहाँ पे काफी फाइलिंग भी अप्लाई हुई है और वहाँ पे भी एक यूं लगा लो बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो चुका है क्रोशिया में सैनिगन में ऐड होते ही। तो ऐसे ही रोमानिया बुल्गारिया में आपके लिए मौका है, अभी आपको वीजा इजिली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जाना चाहता है वो अप्लाई करना चाहता है, वो अभी उनके पास अच्छा मौका है, क्योंकि वीजा सक्सेस रेशो काफी अच्छा है कंट्रीज का, क्योंकि अगर देखो बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं तो वो भी होपफुली जल्दी ही मे बी इस ईयर के अंदर या नेक्स्ट ईयर के अंदर वो एक उसका एड ऑन हो जाएगी, वो कंट्री भी प्रॉपरली जो शेंगेन जोन है उसमें एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल, और जो लेटेस्ट वैकेंसी अभी अपने पास आई हुई है, जो नई डिमांड्स आई हुई है, और उसका भी एक लिमिट है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, और वो जो हमेशा की तरह मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं है, स्किल जॉब है, अनस्किल जॉब भी है उसके अंदर, तो अनुभव करने के लिए जो स्किल जॉब्स हैं उनके अंदर जो कार डिटेलिंग मैकेनिक्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अभी चल रही है, और 2700 जो रोमेनियन करेंसी है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है, अकोमोडेशन इंश्योरेंस मेडिकल ये सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। मोस्ट प्रोबेबली आपको फूड भी मिल सकता है, बट हम पहले से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं की इस चीज़ को। इसके अलावा अपने पास में है डिलीवरी बॉयज, जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप भी इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, 600 यूरो के आसपास आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, और ड्यूटी टाइम मील है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये दो ही ऑप्शंस हैं अभी करंट में, कुछ और भी हैं लेकिन वो प्रॉपरली अभी डिस्कस नहीं हुए हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हैं, तो वो भी आपको जल्दी शेयर करेंगे। लाइक वेयर हाउस की वजह बिल्कुल है काफी है, बट अभी वो कम्प्लीटली एक डिमांड लेटर हमें नहीं मिला है, जो हमें लेटेस्ट अभी मिला हुआ है वो डिलीवरी का है और कार डिटेल मैकेनिक डिटेलिंग एंड मैकेनिक का है, और जो हमने उनका एडवर्टीजमेंट भी किया है और एक उसकी लास्ट डेट भी है मैम अगर रिमेम्बर है तो आपको। ये 7th of February है, उसको इसकी लास्ट डेट है, मींस इतने ही बंदे की रिक्वायरमेंट है कि वो इस टाइम तक फिल हो जाएगी। बिल्कुल, तो किसी को भी अगर कार की एक मैकेनिक कोई भी नॉलेज है कार से रिलेटेड, आपकी वॉशिंग की लगा लो या मैकेनिक की अगर इनरोल करना चाहता है तो बिल्कुल कीजिए। और डिलीवरी बॉय तो जैसे ये वैकेंसीज तो चलती रहती है तो इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड लंबा होगा, तो कोई भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। और रोमानिया के अलावा हम बुल्गारिया से रिलेटेड भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उसमें भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, वैकेंसीज नहीं आने वाली है, आई नहीं है बट आने वाली है, वो भी ऐसे डिलीवरी वेयर हाउस वगैरह में कोई भी वैकेंसी हो सकती है, तो उसमें भी अगर आपको इनरोलमेंट करवाना है तो इनरोलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में एकदम से जब आप अप्लाई करते हो कहीं कुछ का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, तो रोमानिया बुल्गारिया में जो भी इंटरेस्टेड है वो एक तो अपनी PCC अप्लाई कर लीजिए जो बहुत जरूरी है, जो भी इंटरेस्टेड हो कि मेरे को रोमानिया में अप्लाई करना है तो PCC सबसे पहले रेडी रखिए। जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं क्रोशिया के रिगार्डिंग भी कि PCC रेडी होती है तो हम किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले PCC की ही रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपकी फाइल डिले हो जाती है और डिले होते होते बहुत डिले हो जाती है, फिर आपको लगता है कि मैम से डिस्कशन किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक फाइल नहीं लगी, क्योंकि आपकी PCC अगर 1.5-2 महीने में प्रोवाइड करवाओगे तब तक वैकेंसी निकल जाती है, न्यू वैकेंसीज आते आते फिर हमें भी वेट करना पड़ता है, और वैकेंसीज भी लिमिटेड आती हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है, ताकि जब वैकेंसीज आए तो आप पीछे ना रह जाएं। तो बुल्गारिया के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने हैं तो वो लो कॉस्ट में आपके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं अगर करवाने हैं तो, और रोमानिया के लिए वैकेंसीज आ चुकी है तो आप इनरोल कीजिए फटाफट, और
रोमानिया बुल्गारिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है रोमानिया के लिए वो भी रेडी रहिए, क्योंकि उनके लिए हम फाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उनकी भी पीसीसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रहता है वो भी अपना तैयार करके भेज दीजिए। और हाँ एक चीज, और मैसेडोनिया और नॉर्थ मैसेडोनिया है वो भी कोशिश में है, ये छोटे कंट्रीज है जो कोशिश कर रहे हैं कि डिसनिगन में ऐड हो, और ये भी अभी प्रॉपर जोरों शोर से रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो भी इनका भी नंबर है, तो कोई अगर इन नॉन सैनिगन कंट्रीज में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। और बाकी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जो भी अपडेटेड चीजें रहेगी आपको बताते रहेंगे बिल्कुल। और कपल्स अगर जाना चाह रहे हैं तो अभी अल्बेनिया के अंदर होटल लाइन में काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप उनके अंदर अभी इनरोल कीजिए। और कैटर ड्राइवर जहाँ भी है वो जाग जाइए, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं वैकेंसीज आपका, वेट कर रही है क्रोशिया में, और एक अच्छी स्किल जॉब है जिसके अंदर 99.99% वीजा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अभी के लिए थैंक्स, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही जारी रखिए, हम काफी खुश हैं और देखते हैं रिस्पॉन्सेज को, उसी वजह से हमारे अंदर भी जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हमें सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।